पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मिठापुकुर इलाके में 24 कुंडीय जप का शुभारंभ कलश यात्रा को करके किया गया। इस सभा के कार्यकर्ता बिरबल चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम जग कल्याण के लिए किया जा रहा है। इस कलश यात्रा में 2100 महिलाएं और बच्चों ने हिस्सा लिया है। ये हो रहा है, आदमी को बदलने का, आदमी का विचार बदलेगा, आदमी का जीवन बदलेगा, आदमी का परिवार बदलेगा और सुख शांति लौट कर आएगा घर में। और कुछ इसके बारे में, इसके बारे में धरती पर विज्ञान आएगा जो आदमी को सुखी और शांति, गरीब का आदमी उठाएगा, कमजोर को मदद करेगा, कमजोर को व्यवस्था बनाएगा। बस प्रसाद लेंगे आज कल परसों। अच्छा, ये जग क्या पहली बार हो रहा है? बराबर होता रहा है, आज यहाँ होता है, कल वहाँ होता है, ऐसे चारों होता रहता है, पूरा देश में होगा। ये युग परिवर्तन का लहर चल रहा है, समय बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। मानव मात्र एक समान, एक पिता का सब संतान, सारा संतान एक पिता का हो जाएगा, एक बाप का संतान हो जाएगा, सब भाई भाई हो जाएगा, संसार एक परिवार हो जाएगा, गायत्री परिवार हो जाएगा और जीवन का देश का राष्ट्र ऊपर उठ जाएगा, धन्य हो जाएगा, सदयुग धरती पर आ जाएगा। और भीड़ इसके चार, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम उमा शंकर। अच्छा, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 2000 साल से। अच्छा, इसमें जितने लोग आते हैं क्या एक ही जगह के हैं या फिर विभिन्न जिले से आते हैं? ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।